अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई वेलकम यू ऑल। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड कराऊंगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कहा था कि मैं गूगल ड्राइव पे आप लोगों के लिए कुछ नोट्स अपलोड करूंगा। तो मैंने वहां पे जो मैंने अपने नोट्स 2018 के CSS एग्जाम के लिए यूज़ किए थे वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसके अलावा मेरे कुछ कोलीग्स हैं जिन्होंने कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं विथ प्रेजेंटेशंस विथ PDF नोट्स के साथ, तो उसकी भी एक शॉर्टकट मैंने वहाँ पे अटैच कर दी है। उसके अलावा कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकती है विथ रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स के इशूज की कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, और जो ऑलरेडी इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। और उसके अलावा आई शेयर्ड सम मैगजीन्स फ्रॉम द लास्ट मंथ और करंट मंथ, और आज भी मैंने दो मैगजीन शेयर किए हैं, टाइम्स मैगजीन और न्यूज़ वीक सॉरी, और एक इकोनॉमिस्ट का जो इस वीक का आया है। तो ये मैगजीन्स, इनके अंदर आपको बहुत अच्छी एनालिसिस, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन, करंट इवेंट्स के ऊपर अच्छी कमेंट्री आप लोगों को नज़र आएगी। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ज़रूर टाइम निकाल के इनको पढ़ें और इनमें से एनालिटिकल अप्रोच सीखें, और इधर से एनालिसिस आप बेशक कॉपी और अपने उसमें राइटिंग में अडॉप्ट भी कर सकते हैं उसको। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रीड करने की ज़रूरत है करंट अफेयर्स के लिए, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंट कॉमेंट्रीज और डिफरेंट एनालिसिस को पढ़ के वे करने की ज़रूरत है कि आपके ख्याल में कौन सा वाला ज़्यादा ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव है, कौन सा ज़्यादा लाइकली है, कौन सा ज़्यादा आपके ख्याल में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में फिटिंग है, तो फिर उसको अपने आंसर्स में भी यूज करें। ऑल राइट, तो ये मैंने आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले बताया था। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताना भूल गया था कि मैप्स का बनाना और मैप्स को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा करंट अफेयर्स के काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे मैप्स की आप लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ेगी। नॉट जस्ट आप लोगों को पाकिस्तान का मैप आना चाहिए, आप लोगों को रीजनल मैप्स भी आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम उस दिन इंडो पैसिफिक की बात कर रहे थे, तो इंडो पैसिफिक में जो साउथ चाइना सी वाला जोन है वहाँ पे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो मैप के बगैर समझाना सिर्फ वर्ड्स में बहुत मुश्किल है। आप समझा जरूर देंगे, अच्छे से समझा सकेंगे, लेकिन अगर एक विजुअल और इलस्ट्रेटेड उसमें पार्ट होगा आपके आंसर में, तो इलस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी हेल्प करती हैं, बी इट इन फ्लो चार्ट फॉर्म, बी इट एन एनी डायग्राम, एनी मैप हो गया। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि आप उसको ऐड कर सकते हैं अपने आंसर्स में तो ज़रूर करें, दैट विल ओनली कॉम्प्लीमेंट योर आंसर, और एग्जामिनर जो है वो काफ़ी उसको अप्रिशिएट करेगा और आपको हेल्प करेगा ज़्यादा मार्क्स फेच करने में। ओके सॉरी, एक शो आ गया था। चलें जी, अब आज का लेक्चर हमारा है ऑन पाकिस्तान फॉरेन रिलेशंस। ये आपका सिलेबस का एक पार्ट है जिसमें जिसके 30 मार्क्स होंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसमें से दो क्वेश्चन आएंगे। और इसमें आपका सिलेबस कहता है कि आपका फॉरेन रिलेशंस पाकिस्तान का विद रिस्पेक्ट टू नेबर्स, विद रिस्पेक्ट टू मुस्लिम वर्ल्ड, विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल पावर्स। आपके फोर नेबर्स हो गए, पार्टनर्स मैंने ऐड कर दिया था इसमें, पार्टनर्स आपके आजकल जो नॉन नेबरिंग पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल टर्की, मलेशिया, अजरबैजान, और इसके अलावा मुस्लिम वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज सारे हो गए आपके, ईरान एंड एवरी अदर मुस्लिम कंट्री जो आपके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के अंडर आता है कि आपने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ अच्छे ताल्लुक रखने हैं, OIC के मेम्बर्स हैं। देन ग्लोबल पावर्स, पाकिस्तान ग्लोबल कंपटीशन के का पूरा बहुत हिस्टोरिकली हिस्सा रहा है, पिछली ग्रेट गेम्स का भी रहा है, और उसके बाद आजकल भी इट इज ट्राइंग टू ग्रैपल विद दी दी टू बैलेंस बिटवीन चाइना एंड US। उसके अलावा रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस पर भी हल्की पुल्की बात करेंगे। ये मैं लास्ट कुछ पेपर्स देख रहा था तो उनमें इतने ज़्यादा इनके बारे में क्वेश्चंस नहीं आए हुए, लेकिन इनके बारे में आ जरूर सकता है। हम मैं आपको डायरेक्शन ज़रूर दे दूंगा कि किस तरह से आप लोग कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरह से आप लोग इनकी प्रिपरेशन करें। चलिए जी,
ऑल राइट, मैप की तरफ मैं आता रहूंगा। मैप मैंने सर्व इसलिए डाला था ताकि जब मैं रिलेशन समझा रहा हूँ तो मैं बार बार इससे रेफर करूँ। लेकिन उससे भी पहले आई वुड लाइक टू शो यू दिस स्लाइड। इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या चीज़ें डिटरमाइन करती हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की फॉरेन रिलेशंस को और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को। कोई भी कंट्री किसी अलग स्टेट के साथ किसी विद अनदर स्टेट जब अपने रिलेशंस इस्टेब्लिश करता है तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनके बेसिस पे वो अपना रिलेशन इस्टेब्लिश करता है और कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कंपेल करती हैं उस स्टेट को कि वो किस तरह की रिलेशंस अपने बाकी कंट्रीज के साथ रखे। तो पाकिस्तान की जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं और फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपको मोफा की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और मैंने वहाँ से ये आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो जिन्ना साहब ने 1948 में यूएसए के अंदर एक रेडियो ब्रॉडकास्ट के थ्रू अपना पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे वो ले किए थे, जिसमें वो बात करते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो होगी वो एक फ्रेंडली होगी और फ्रेंडलीनेस होगी और गुडविल होगी और सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे हम, इंडिया के साथ भी, नेबर्स के साथ भी, और काफ़ी उसके अंदर डिटेल्ड आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी इफ़ यू वांट टू गो थ्रू इट, तो वो एक 2 मिनट्स की रीड है तो ज़रूर जाइएगा। लेकिन गाइडिंग प्रिंसिपल बेसिकली यही था कि पाकिस्तान फॉरन पॉलिसी विल बी ऑफ गुडविल एंड फ्रेंडलीनेस, और उसी बेसिस पे फिर पाकिस्तान की फॉरन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो रखी गई हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि पाकिस्तान को हमने, पाकिस्तान की पहली फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ये कि एक डायनामिक प्रोग्रेसिव मॉडरेट और डेमोक्रेटिक इस्लामिक कंट्री के तौर पे हमने प्रमोट करना है पाकिस्तान को। तो जितने भी आपके डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उनका फोरमोस्ट काम ये होता है कि पाकिस्तान को प्रमोट करें विद रिस्पेक्ट टू दीज फोर क्राइटेरियाज। उसके बाद है कि आपने फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश डेवलप भी करने एस्टैब्लिश करने विद ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली मेजर पावर्स एंड इमीडिएट नेबर्स। इमीडिएट नेबर्स और मेजर पावर्स को आप देखें कि एक स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया गया है। इमीडिएट नेबर्स ऑब्वियसली यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, आप अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन को एक बाय डिफॉल्ट आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, तो उनके साथ तो इस्टेब्लिश करने ही करने, मेजर पावर्स के साथ भी आपको फ्रेंडली रिलेशंस रखने, ये भी आपकी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव में आता है। आपने अपने नेशनल सिक्योरिटी और जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है, जिसके अंदर पर्टिकुलरली कश्मीर, कश्मीर को आपने हम अभी तक इसीलिए जिंदा रखा हुआ है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में आता है। यू कैन नॉट गिव अप ऑन कश्मीर एज अ कॉज। पाकिस्तान के फॉरेन जितने भी फॉरेन रिलेशंस हैं विद डिफरेंट कंट्रीज उसमें इट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ पाकिस्तान्स फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आ जाता है कमर्शियल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल कम्युनिटी। आपके जितने भी रिलेशंस हैं उसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इकोनॉमिक जो कोलैबोरेशन है और इकोनॉमिक आपकी जो इंटरेस्ट है उसका बहुत अहम किरदार होता है। आपके सारे रिलेशंस जो हैं उसमें ट्रेड इन्वॉल्व होती है, एक इकॉनमी इन्वॉल्व होती है, आप जिस कंट्री के साथ ताल्लुकात बनाते हैं आप उनके साथ कोशिश करते हैं कि उनके साथ आप ट्रेड करें, उनके साथ अच्छे इकोनॉमिक रिलेशंस रखें ताकि आप आपकी सिक्योरिटी, ज़्यादा पाकिस्तान की सिक्योरिटी ओरिएंटेड रही है। लेकिन रिसेंटली भी एक शिफ्ट आया है जियो इकोनॉमिक्स के बारे में, आपको मैंने उस दिन भी बताया था, तो इस पर भी हम बात करेंगे। एंड लास्टली लास्ट टू पॉइंट्स हैं कि एक तो आपने पाकिस्तानी डायस्पोरा का भी सेफ गार्ड करना इंटरेस्ट, जिसकी वजह से वी सी के GCC कंट्रीज में पाकिस्तान का ज़्यादा इंटरेस्ट बेस्ड ऑन पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जहाँ से ज़्यादा रेमिटेंसेस भी आते हैं पाकिस्तान की तरफ। And lastly, optimal utilization of natural resources for regional and international cooperation. ठीक हो गया। And last जो मैंने point लिखा हुआ determinants. Determinants, if you see Pakistan on this map, तो पाकिस्तान की जो location है, हम determinants की बात करते हैं तो कुछ variable determinants होते हैं, कुछ आपके permanent determinants होते हैं। तो जो आपके fixed determinants हैं उसमें आप देखें कि पाकिस्तान की location है, ये ही पाकिस्तान को कंपेल करती है कि किस तरह के ये रिलेशन रखे। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान साउथ एशिया में ना होता, नॉर्थ अमेरिका में होता, एंड इफ इट ओनली हैड टू नेबर्स,
Canada and Mexico and had oceans on the both on both of, both of its eastern and western border. So Pakistan ke foreign relations काफी different होते हैं जिस तरह से US के हैं. इसलिए location is one of the determinants. उसके बाद ideology of Pakistan, Pakistan की ideology जो है ये determine करती है Pakistan किस तरह के relations रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी foreign policy objective एक है कि हम Muslim countries के साथ, Muslim world के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे. Then the history of the country. आप history देखें पाकिस्तान की के एक nascent country था, security चाहिए थी, quest for security पाकिस्तान को US camp में ले गई. West camp की वजह से आपके pro-Soviet जितने भी countries हैं उनके साथ आपके शुरू में ताल्लुकात ठीक नहीं रहे, रशिया के साथ, इसलिए आपके ताल्लुकात उतने warm और brotherly नहीं रह सके. तो history है पाकिस्तान की, historical relations आपके dictate करते हैं. उसके अलावा आपकी population आपकी dictate करती है, आपके natural resources fixed determinants में आते हैं. natural resources की वजह से आपके relations affect होते हैं. नेबर्स आपके जो हैं ये परमानेंट हैं, इसकी वजह से आपके रिलेशंस अफेक्ट होते हैं. लैंडस्केप की वजह से होता है, आप अफगानिस्तान की तरह लैंड लॉक नहीं है, आपके पास कोस्टल लाइन है, ये आपके फॉरेन रिलेशंस को अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आपका चाइना के साथ गवादर के ऊपर इतनी कोऑपरेशन हो रही है. इसी तरह सिक्योरिटी के ऊपर जितनी पाकिस्तान की कोऑपरेशन है विद अदर स्टेट्स, that is also one of the determinants. So, इस तरह आपके multiple determinants होते हैं जो आपके foreign relations को dictate करते हैं. तो मैं आपसे सिर्फ दो तीन countries, ज़्यादा countries नहीं, neighbors की बात करूँगा और दो global powers की बात करूँगा, और उसके बाद मैं आपको सिर्फ direction दे दूँगा कि किस तरह से आप लोगों ने relations को लेके चलना है. लेकिन इससे पहले आई वुड एक मिनट, अच्छा काइंडली कोशिश कीजिएगा कि ये एनोटेशंस में बंद, अच्छा हाँ हो गया, बंद हो गया, ठीक हो गया. ऑलराइट, तो रिलेशंस के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप रिलेशंस को लेके चलें तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाहूंगा आप लोग नोट कर लें. कि सबसे पहले आप देखें कि उस रिलेशंस की आपकी हिस्ट्री क्या रही है. तो आपके फॉर एग्जांपल चाइना के साथ आपने कब डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए, उसके बाद क्रोनोलॉजिकली ये मैं आप लोगों को कुछ नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो उसके अंदर अवेलेबल भी होंगे जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी ड्राइव पे दे चुका हूँ, उस पर भी काफ़ी कुछ अवेलेबल है इनके बारे में, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं. मैं आपको ज़्यादा डायरेक्शन देने के लिए हूँ, मैं ज़्यादा आपको एक अगर पढ़ाना स्टार्ट करूँ तो सिर्फ चाइना का ही शायद फॉरेन रिलेशंस पूरा आज का लेक्चर ले जाए. इसलिए मैं आप लोगों को जनरली बता देता हूँ कि क्या आप लोगों का स्कीम ऑफ वो होना चाहिए, प्रिपरेशन के लिए स्कीम ऑफ थिंग्स क्या होना चाहिए. सबसे पहले आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ रिलेशंस कि क्रोनोलॉजिकली जब से डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपके इस्टेब्लिश हुए हैं उसके बाद से अब तक क्या क्या आप लोगों के उतार चढ़ाव आए हैं रिलेशन में, कहाँ पे कोऑपरेशन हुई है, कहाँ पे कोई डिस्प्यूट आया है, कहाँ पे कोई बेहतरी आई है, कहाँ पे कुछ आपके रिलेशंस ख़राब हुए हैं. उसके बाद फिर आप देख उसमें भी हिस्ट्री में भी आप देखते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस का एक आस्पेक्ट होता है, आप देखते हैं कि बायलैटरली आप लोगों के तालुकात कैसे रहे. फिर आप पॉलिटिकल सपोर्ट को देखते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट में रिकग्निशन आ जाती है कि आप पहले कंट्री को रिकग्नाइज करते हैं, वो दूसरी कंट्री आपको रिकग्नाइज करती है. उसके बाद आप आपके कुछ पॉलिटिकल स्टांसेस होते हैं जिनको वो सपोर्ट करते हैं, आप उनके पॉलिटिकल स्टांसेस को सपोर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को कश्मीर में कश्मीर के कॉज के ऊपर सपोर्ट करना किसी कंट्री का, इस तरह फिर आ जाता है सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन आ जाता है कि आपकी दूसरी कंट्री के साथ जो रिलेशन है वो बेस्ड ऑन उनके साथ कोऑपरेशन कितनी है आपकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस कोऑपरेशन कितनी है, डिफेंस ट्रेड कितनी है, आप उनसे इंपोर्ट करते हैं या आप उनको डिफेंस एक्सपोर्टर हैं आप उनके लिए. फिर आ जाता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, आप देखते हैं कि आपकी ट्रेड कितनी है, ट्रेड पोटेंशियल कितना है और ट्रेड रियल उसमें टर्म्स में कितनी हो रही है,
उसके अलावा ट्रेड में आप लोगों के मसले क्या आ रहे हैं, उसमें जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको अचीव करने में क्या इश्यूज हैं, क्या हर्डल्स हैं जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद सोशल एस्पेक्ट आता है, सोशल एस्पेक्ट में आप देखते हैं डायस्पोरा का, पॉपुलेशन का, हेल्थ में, एजुकेशन में, टूरिज्म में, उसके अलावा आप रेमिटेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, रेफ्यूजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं सोशल में। फिर आ जाता है कॉपरेशन, कॉपरेशन में सारे ये जो मैंने अभी आपको एस्पेक्ट्स बताए इनके अलावा आपके कॉपरेशन हो सकता है रीजनल बॉडीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर एक साउथ एशियन कंट्री है तो उसका सार्क में अगर मेंबर है वो स्टेट, तो उसके साथ आपकी सार्क के अंदर कैसी कॉपरेशन है। इसी तरह बाकी रीजनल बॉडीज में, ECO में, UN में, आपके उनके साथ ताल्लुकात कैसे हैं, आपने किस उनके कौन कौन से इश्यूज के ऊपर किस तरह से वोट किया हुआ है पर्टेनिंग टू देम पर्टिकुलर कंट्री। इस तरह से फिर कॉन्फ्लिक्ट्स पे आ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब कोई अगर आपका टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उस कंट्री के साथ, कोई और डिस्प्यूट है जिसमें इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर उनकी फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन के खिलाफ आप जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल US का पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है ऑन हाउ टू नेविगेट इन अफगानिस्तान, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेबर्स के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट हो, कॉन्फ्लिक्ट आपके बाकी कंट्रीज के साथ भी हो सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रॉस्पेक्ट, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं उनके साथ, ये जो जितनी हमने बात की है इनके अंदर किस तरह से इम्प्रूवमेंट आ सकती है, आपके ख्याल में रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं, इससे भी अच्छे हो सकते हैं, या ऑलरेडी बहुत ऑप्टिमल लेवल पे हैं, या आपको लगता है कि नहीं अब इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो सकते ही नहीं है, जैसे इंडिया के साथ हमें थोड़ी सी होपलेसनेस नज़र आती है आजकल। और लास्टली आप उसमें फिर पाकिस्तान की, पाकिस्तान का रोल देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह का रोल अदा कर सकता है उनके साथ मिलके विद इन द रीजन, विद इन द ग्लोबल अरेना। तो ये कुछ मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बता दिए हैं जब आप रिलेशंस को पर्टिकुलर देखेंगे। तो अगर हम चाइना को देखें तो चाइना के साथ हिस्टोरिकली पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। शुरू में चाइना काफ़ी क्लोज्ड कंट्री था, ज़्यादा ओपन नहीं था कंट्रीज के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने अपना 50s में ही इनके साथ अपना आइस ब्रेकिंग स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उनके प्राइम मिनिस्टर को, उनके प्रीमियर को यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान जो US कैम्प में किया हुआ है वो चाइना के खिलाफ नहीं किया हुआ, और उनको इस चीज़ की जब यकीन दहानी दिलाई गई तो चाइना ने पाकिस्तान की तरफ एक जो डाउट की तरफ की नज़र से देखता था वो थोड़ा सा कम हो गया था, और वहां से फिर हमारे रिलेशंस आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होना स्टार्ट हुए। उसके बाद पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान एंड चाइना आर वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर्स। पाकिस्तान को तकरीबन हर एस्पेक्ट में, हर कोऑपरेशन के एवेन्यू में चाइना सपोर्ट करता है, बी इट डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, सोशल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में, इवन UN में, UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को डिफरेंट उसमें इवेंट्स पे चाइना ने पाकिस्तान की मदद की है, और इट वीटोड इन मल्टीपल ओकेजंस। अच्छा, तो पॉलिटिकली चाइना पाकिस्तान को कश्मीर पे सपोर्ट जरूर करता है, लेकिन उस तरह से खुल के पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को जिस तरह से टर्की करता है उस तरह से चाइना ने भी अभी तक इतना नहीं किया। चाइना थोड़ा सा कॉशियस रहता है बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशंस विद इंडिया, लेकिन पॉलिटिकली चाइना का पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल यहाँ पे इंस्टेबिलिटी रही है उसके बावजूद चाइना हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ पाकिस्तान एज अ स्टेट। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिफेंस में काफ़ी कॉपरेशन है पाकिस्तान के साथ, उन्होंने मिलके J-17 की जो प्रोडक्शन है इसमें चाइना ने काफ़ी आपको हेल्प किया है। उसके अलावा पाकिस्तान की जो नेवल अभी फोर्स तैयार हो रही है, नेवल जितने भी पाकिस्तान के न्यूली प्रोड्यूस्ड आ रहे हैं, फ्रेट्स आ रहे हैं, सबमरीन्स आ रहे हैं, वो चाइना से आ रहे हैं। इकोनॉमिकली अगर देखें, पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली फ्री ट्रेड अग्रीमेंट चाइना के साथ स्टार्ट किया है, जो
सेकंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जिसमें पहले में थोड़ा सा मसले थे जिसको इम्प्रूव किया गया। तो उस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान काफ़ी ट्रेड हो रही है। पाकिस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टनर्स है, ट्रेड पार्टनर्स है। सोशली अगर देखें तो एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी चाइना आपको सपोर्ट कर रहा है। चाइना होस्ट अराउंड मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, उनको स्कॉलरशिप्स दे रहा है। उसके अलावा चाइनीज लैंग्वेज कोर्सेस पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट की गई हैं। अब चाइनीज बिजनेसेस पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं और आप लोग वो पाकिस्तान के अंदर फील भी कर सकते हैं कि चाइनीज काफ़ी पाकिस्तान के अंदर एज एज रेजिडेंट्स के तौर पे पाकिस्तान में अभी रहना स्टार्ट हो गए हैं। कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट का पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एज सच कोई कॉन्फ्लिक्ट का है नहीं, लेकिन उइगर्स के ऊपर थोड़ा सा एक बैकलैश आता है पाकिस्तान के पॉपुलेशन के अंदर आता है, मैसेस के अंदर आता है, लेकिन स्टेट लेवल पे पाकिस्तान अभी भी चाइना को सपोर्ट कर रहा है और उसके ऊपर पाकिस्तान को काफ़ी एक फ्लैक लेना पड़ता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के एस्पेक्ट से। लेकिन पाकिस्तान उसको काउंटर करता है और उसके लिए जो पाकिस्तान का नैरेटिव है कि चाइना ने हमें यकीन दहानी कराई है कि वहाँ पे, और पाकिस्तान के लोगों ने जाके डिप्लोमेटिक जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने जाके विजिट किया और पाकिस्तान इज कंटेंट विथ व्हाट चाइना इज डूइंग। तो पाकिस्तान इस तरह से उसको खत्म करता है उस एपिसोड को। साथ ही पाकिस्तान को यूएस और चाइना के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ रहा है जिसमें पाकिस्तान को थोड़ी सी मुश्किल हो रही है बिकॉज ऑफ यूएस पॉलिसी ऑफ कंटेनिंग चाइना। चाइना को यूएस अपना बिगेस्ट थ्रेट समझता है और अभी जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर जो चाइना के जितने पार्टनर्स हैं वो भी इस इंसर्कलमेंट का नुकसान उठा रहे हैं, जिसकी वजह से यूएस जो है इंडिया को सपोर्ट करता है एज ए रीजनल पुलिसमैन और इंडिया उससे इम्बोल्डन होके वो स्टेप्स उठा सकता है जिसके ऊपर यूएस उसको कुछ नहीं कहेगा और इसी बेसिस पे उसने कश्मीर के अंदर जो भी किया वो हमें नजर आता है। तो कॉपरेशन बियॉन्ड सीपेक का मैंने आपको बता दिया, सीपेक 2.0। सीपेक 2.0 बेसिकली जो अभी सीपेक का नए कॉपरेशन के हमने देखा है जो इनका जीसीसी का दूसरा लेटेस्ट मीटिंग हुई है इस्लामाबाद वर्चुअली हुई है। इसके अंदर अगर आप लोग न्यूज़ में देखें तो आपको नजर आएगा कि नए एरियाज के अंदर कोलैबोरेशन और कॉपरेशन की बात भी है और बियॉन्ड एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन अभी कॉपरेशन की सीपेक के अंदर बात हुई है कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, ज्यादातर सोशियो इकोनॉमिक एरियाज में होगी। ऑलराइट, इंडिया पे आ जाते हैं। इंडिया का अगर हम देखें तो हिस्टोरिकली बहुत हॉस्टाइल रहे हैं रिलेशन। पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे को आर्च राइवल्स समझते हैं, अपने आर्च राइवल्स। मल्टीपल डिस्प्यूट्स हैं। कश्मीर का डिस्प्यूट सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि कश्मीर की वजह से आजकल के टॉक्स हमारे आपस में नहीं हो रहे। पाकिस्तान ने, नई जो गवर्नमेंट आई है इन्होंने स्टार्ट में आके मल्टीपल ओवरचर्स किए, ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड किया, पहले उनका पायलट भी वापस किया, करतारपुर कॉरिडोर खोला एंड अदर ऑन अदर ओकेजन्स पाकिस्तान ने काफ़ी बात की कि आप एक स्टेप उठाएं हम दो स्टेप्स लेंगे। लेकिन जब से 2019 अगस्त, 5 अगस्त का कश्मीर के अंदर जो स्टेप लिया गया है इंडिया की तरफ से, उसके बाद से पाकिस्तान ने इसको मशरूत कर दिया है अपने टॉक्स को रिकंडल करने का, कि जब तक ये चीज़ें रिसेंट नहीं होंगी, ये स्टेप इंडिया वोंट स्टेप बैक फ्रॉम दिस एक्शंस, तब तक हम बात नहीं करेंगे। जिसकी वजह से हमें नजर आता है कि बैक चैनल टॉक्स की थोड़ी सी बातचीत हुई थी कि बैक चैनल टॉक्स के जरिए फिर पाकिस्तान ने जो सीज फायर वायलेशंस बहुत ज़्यादा हो रही थी उसको पहले कम कराया और उसके बाद आगे बात करने के लिए थोड़ी कोशिश की जा रही थी। या मुईद यूसुफ के इंटरव्यूज जो इंडिया को उन्होंने 2 दफ़ा दिए हैं उनके अंदर भी देख सकते हैं, उसके अलावा भी काफ़ी दफ़ा न्यूज़ में आ चुका है। देन वी नो कि बीजेपी की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी रही है, दे ऑलवेज वांटेड टू अंडरमाइन पाकिस्तान और उन्होंने अभी रिसेंटली मोदी ने जो यूएन में स्पीच दी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिल्कुल पाकिस्तान का उसमें जिक्र ही नहीं किया।
which is what they want. They want to isolate Pakistan, or Pakistan ko ek irrelevant states consider karwana chahte hain puri duniya mein. और इसके अंदर जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपको प्रॉस्पेक्ट्स के तौर पे आ सकते हैं कि आपको बीजेपी की गवर्नमेंट होते हुए और आगे भी बीजेपी की गवर्नमेंट अगर रहती है तो क्या प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आते हैं, कि क्या कश्मीर का इशू इसी तरह हैंगिंग रहेगा, पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस क्या बेहतर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? तो उसके अलावा फिर वही वाले जो आस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए थे, हिस्ट्री आप देख लेंगे, हम वी हैव फॉट थ्री वॉर्स, one battle in Kargil. Uske ilawa diplomatically aajkal downgraded hai relations. Currently aapke high commissioners wahan pe nahi hai, Sharjah the affairs chala rahe hain aapke diplomatic missions ko. Politically bahut hostile hain hum, always at loggerheads with each other. Security point of view se hum wars lad chuke hain, defense तो हमने अब स्ट्रेटेजिक यहाँ पे बैलेंस की भी बात आती है कि हम दोनों न्यूट्रल कंट्रीज भी हैं और जितनी भी हमारी सिक्योरिटी के नीड्स हैं वो बिकॉज ऑफ दी अदर कंट्री है, मतलब इट्स ड्रिवन बाय दी सिक्योरिटी डिलेमा के इंडिया अगर अपनी सिक्योरिटी डेवलप करेगा तो पाकिस्तान ने करना ही करना है, और पाकिस्तान करेगा तो इंडिया ने करना ही करना है. तो ये सिक्योरिटी डिलेमा वाला एस्पेक्ट आ जाता है कि ऑलराइट इकोनॉमिक पाकिस्तान आजकल कोई ट्रेड नहीं कर रहा सिवाय लाइफ सेविंग ड्रग्स के, वैसे बहुत मिनिमल किस्म की होती थी, $2 billion की ट्रेड होती थी, उसमें भी इंडिया ने एक ज़माने तक पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का टाइटल भी दिया था, जो कि उन्होंने 2017-18 में ख़त्म कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने. सोशली there's very little people to people contact. Pakistan ne kafi religious tourism ke upar abhi recently kaam kiya, Sikh population ko Pakistan thoda sa koshish kar raha hai unke unko Pakistan ka thoda sa soft ek image project kare unki taraf, aur Pakistan usme thoda kamyab bhi raha hai, lekin India ne usko kafi undermine kiya by not approving visas to its people. Isi tarah cooperation जित सार्क में थी, सार्क को इंडिया ने बिल्कुल लेम बना दिया है. पाकिस्तान में 2016 के अंदर जब सार्क की समिट होनी थी तो इंडिया के प्रेशर में बाकी कंट्रीज ने भी विड्रॉ कर लिया, उसके बाद से सार्क का कोई समिट नहीं हुआ. इसलिए कॉपरेशन रीजनली कुछ भी नहीं हो रही, और सार्क भी बिल्कुल जहाँ पे आपकी अच्छी खासी इकोनॉमिक कॉपरेशन हो सकती है, सैफ्टा भी पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है, सार्क कंट्री सारों ने साइन किया हुआ है, उसके बावजूद वहाँ पे कॉपरेशन का कोई हमें प्रॉस्पेक्ट नज़र नहीं आता. कॉन्फ्लिक्ट हमारे मल्टीपल डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर्स के डिस्प्यूट्स हैं, टेरिटोरियल सरक्रीक सियाचिन जूनागढ़. रिसेंटली पाकिस्तान ने अपना पॉलिटिकल मैप भी रिलीज किया था, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान ने जो अपना नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया है उसके अंदर जूनागढ़ और हैदराबाद को भी पाकिस्तान ने अपना पार्ट दिखाया है. जूनागढ़ को दिखाया है, हैदराबाद का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जूनागढ़ और कश्मीर आर बिल्कुल पोल ऑपोजिट्स हैं. कश्मीर के अंदर हिंदू रूलर था एंड पॉपुलेशन मुस्लिम थी, जूनागढ़ के अंदर मुस्लिम रूलर था और पॉपुलेशन हिंदू थी. तो पाकिस्तान इनमें से जिसको सपोर्ट करता है तो दूसरे में आपका कॉज वीक हो जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. वैसे कश्मीर को लेके जीबी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि अगर नहीं भी आता तो आप अपना जीबी का उसके अंदर थोड़ा सा इम्प्लीकेशंस ऑन दी स्टेटस ऑफ जीबी भी उसमें ज़रूर ऐड करें, आपका आंसर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं ऑफ द न्यू पॉलिटिकल मैप एंड दी इंडियन actions in Kashmir on GB, status of GB, या फिर जो पाकिस्तान प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देने जा रहा है जी बी को, उसके पाकिस्तान के कश्मीर कॉज के ऊपर, कश्मीर स्टांस के ऊपर क्या implications हो सकते हैं. उसके अलावा prospects आजकल आपको ठंडी नज़र आ रहे हैं, बहुत मुश्किल है कि ये बेहतरी की तरफ जाए, और अनकरीब नज़र नहीं आते with BJP being in the government.
इफ यू कैन वेट फॉर 1 मिनट, मेरा ये स्लाइड थोड़ी स्लो हो गई है, मैं चेक करता हूँ। ओके ऑलराइट, फिर आ जाते हैं हमारे पास अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हमारे अगेन रिलेशंस हमारे हिस्टोरिकली डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा रही है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के अंदर ड्यूरिंग सोवियत वॉर, सोवियत इन्वेजन जो इन्वॉल्वमेंट रही है, और उससे पहले भी हिस्टोरिकली थोड़ी सी हमारी उनके साथ बॉर्डर ड्यूरिंग लाइन के ऊपर भी इश्यूज रहे हैं। उन्होंने उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। पॉलिटिकली अगर हम देखें तो उन्होंने हमें यूएन के अंदर हमारी मेंबरशिप को भी अपोज किया था, अफगानिस्तान ने। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, सोवियत इन्वेजन में पाकिस्तान का जो रोल रहा उसकी वजह से अफगानिस्तान के लोगों के अंदर पाकिस्तान के बारे में काफ़ी मिसट्रस्ट है। इकोनॉमिकली ट्रेड बहुत लिमिटेड है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ट्रेड बहुत ज़्यादा हो सकती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का बेसिकली बास्केट बन सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान का बहुत ज़्यादा एरिया बैरन है, वहाँ का जो फूड रिक्वायरमेंट है वो सारा पाकिस्तान पूरा कर सकता है। सोशली देखें तो क्योंकि कंटिगुअस बॉर्डर्स हैं, तो अफगानिस्तान के लोगों की ज़मीनें यहाँ पे भी हैं और पाकिस्तान के लोगों की ज़मीनें वहाँ पे भी हैं, तो काफ़ी वो है, ग्रेजिंग राइट्स का भी इशू है, डायस्पोरा भी है, रेफ्यूजीज का भी इशू है। रेफ्यूजीज पाकिस्तान में अभी भी 1.6 मिलियन रेफ्यूजीज अभी भी पाकिस्तान के अंदर हैं, जिनको पाकिस्तान कोशिश कर रहा है उसको रिपेट्रिएट करने की। लेकिन कुछ रेफ्यूजीज ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर अभी इंटीग्रेट हो चुके हैं, क्योंकि उनकी थर्ड फोर्थ जनरेशन यहाँ पे रह रही है। कोऑपरेशन अगर देखें तो हम अफगानिस्तान के साथ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, लेकिन ज़्यादा पाकिस्तान का फोकस ऑन अफगानिस्तान, काउंटर टेररिज्म और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को एक आप कह लें कि एक ऐसा बैकयार्ड के तौर पे देखता है, जहाँ से आपको हर वक्त एक खतरा रहता है। तो पाकिस्तान वुड ऑलवेज बी कॉशियस अबाउट इट्स इट्स वेस्टर्न बॉर्डर। अफगानिस्तान को हमेशा एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, और इसके ऊपर ड्यूरेंट लाइन के ऊपर मैंने आपको बताया हमारा डिस्प्यूट है। अफगानिस्तान इवन तालिबान, जिसके ऊपर हम समझते हैं कि और दुनिया समझती है कि वी वील्ड इन वेरी अलॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, वो भी जब 1996 में गवर्नमेंट में आए थे तो उन्होंने भी ड्यूरेंट लाइन को, पाकिस्तान अफगान बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया था, एंड दे सेड के मुसलमान भाइयों के दरमियान बॉर्डर्स नहीं होते, और उसको उन्होंने डिबंक किया था। तो उसके अलावा तालिबान टेक ओवर के बाद क्या आपके आगे रिलेशंस के ऊपर इम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और मेजरली अभी पाकिस्तान करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में तालिबान टेक ओवर और यूएस विड्रॉल और पाकिस्तान रोल इन इन ब्रिंगिंग अफगान तालिबान एंड दी अफगान अदर फैक्शंस ऑफ अफगानिस्तान ऑन द टेबल, एंड बिल्डिंग अ इंक्लूसिव एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। और पाकिस्तान रीजनल फेलो स्टेट्स के साथ मिलके क्या कर सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में। फिर हम आ जाते हैं ईरान की तरफ। ईरान इवन दो एक मुस्लिम कंट्री है, आपके कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स उनके साथ नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद आपका एक डिफिकल्ट रिलेशनशिप रहा है, मिसट्रस्ट का रहा है, पर्टिकुलरली आफ्टर दी रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के बाद हमने देखा है कि ईरान को हमेशा खतरा ये रहा है कि पर्टिकुलरली बिकॉज जब रेवोल्यूशन आया तो सऊदी अरब ने एज अ काउंटर पाकिस्तान के अंदर जो सुन्नी वो थे फैक्शंस थे उनको काफ़ी सपोर्ट किया, और थोड़े से एंटी ईरान सेंटिमेंट्स को भी यहाँ पे हार्बर किया। ईरान ने काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के अंदर एंटी सऊदी और शिया फैक्शंस को सपोर्ट किया और हार्बर किया, जिसकी वजह से एक पाकिस्तान एक प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बना रहा ऑफ यू ईरान एंड सऊदी अरेबिया, जिसका बैलेंस पाकिस्तान अभी भी करने की कोशिश कर रहा है।
हम मीडिएट करने की भी ऑफर्स हमने रिसेंटली किए हैं। उससे पहले हमने यमन वॉर में एक अच्छा स्टांस लिया था, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की, इवन दो हमने सऊदी अरब को इसमें इस प्रोसेस में नाराज कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने जितने प्रॉस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान के और ईरान के रिलेशनशिप्स के, वो इसलिए मटीरियलाइज नहीं हो सके कि ईरान के ऊपर यूएस की तरफ से और ग्लोबली सैंक्शंस रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें रियलाइज नहीं हो सकी। आपका जो गैस पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट था वो भी ईरान के बॉर्डर तक तकरीबन आ चुका है, पाकिस्तान का हिस्सा इट्स स्टिल अनबिल्ट। और उसके अलावा ईरान के कुछ डिमांड्स है पाकिस्तान से कि एक तो जिंदल्ला ग्रुप जो ईरान के अंदर अटैक्स करता है वो पाकिस्तान के अंदर बेस्ड है, उसको उसके खिलाफ पाकिस्तान को वो आ, आ, एक्ट करने का बोलता है, पाकिस्तान को कहता है कि इसके खिलाफ एक्ट करें, इसको ख़त्म करें। पाकिस्तान के ईरान के साथ डिमांड्स में एक इसके अलावा कॉपरेशन का एक फैक्टर डायस्पोरा का भी आता है, पाकिस्तान के मेजर पॉपुलेशन तो नहीं, लॉट ऑफ शिया स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन ईरान, और एक ज़ियारत की पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इसीलिए जब ईसीओ के अंदर बात होती है तो एक एक रेलवे ट्रैक की बात होती है जो पाकिस्तान ईरान और तुर्की को करेगा, कनेक्ट करेगा, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की थोड़ी सी सुस्ती की वजह से वी हैव नॉट बीन एबल टू मटीरियलाइज इट, बिकॉज पाकिस्तान में अभी तक वो जो ट्रैक का जो गेज डिस्टेंस है वो डिफरेंस है टर्की और ईरान वाले से। और इसमें जेसीपीओ का आ जाता है, जेसीपीओ को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, पाकिस्तान नहीं चाहता कि ईरान एक न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाए, और लेकिन ईरान ने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के ऊपर पाकिस्तान को के खिलाफ बात की थी, खिलाफ तो नहीं, उन्होंने कन्फेस किया था कि पाकिस्तान वाज इन्वॉल्व्ड इन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। तो ऑल राइट, ईरान के साथ पाकिस्तान का प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट भी है, तो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान ने अग्रीमेंट साइन भी किया हुआ है जिसमें टैरिफ्स ईरान ने लोअर किए हुए हैं, लेकिन अभी सैंक्शंस की वजह से मेजर ट्रेड पाकिस्तान और ईरान के दरमियान और जितना वो है पोटेंशियल है वो मटेरियलाइज नहीं हो रहा, रियलाइज नहीं हो रहा, लेकिन इनफॉर्मली दोनों कंट्रीज गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत हैं। ईरान को लेके जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ज़्यादातर आ सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर कॉपरेशन विद रिस्पेक्ट टू सऊदी अरेबिया किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है, एंड अगर रिलीजियस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है तब ईरान को आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, और रीजनली भी ईरान का रोल, बिकॉज ईरान एक काफ़ी रिजिलियंट कंट्री समझा जाता है विथ अ लॉट ऑफ गैस एंड ऑयल रिजर्व्स एंड अ वाइब्रेंट पॉपुलेशन, रिच हिस्ट्री, रिच कल्चर, इतने सैंक्शंस के बावजूद अभी तक उन्होंने सर्वाइव किया, विच इज़ अ वेरी अ वेरी समथिंग दैट इज टू बी एक्नॉलेज्ड। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास दो ग्लोबल पावर्स आ जाते हैं। अमेरिका के साथ हमारे हिस्टोरिकली रिलेशन ट्रांजैक्शनल रहे हैं, शुरू में द क्वेस्ट फॉर सिक्योरिटी, पाकिस्तान जब इस्टेब्लिश होता है, इंडिपेंडेंस हासिल करता है, तो पाकिस्तान हैड टू चूज बिटवीन सम यूएस और सोवियत कैम्प, तो सोवियत वाला ऑप्शन जो था वो पाकिस्तान को ज़्यादा फीजिबल नहीं लगा, या फिर जो भी हिस्ट्री हमें बताती है कि पाकिस्तान के पास बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यूएसए ही था, और यूएसए कैम्प की वजह से पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी नीड्स थी वो पूरी होती हैं, तो पाकिस्तान यूएस को वो प्रोवाइड करता है जो यूएस को चाहिए था, बेसिकली बिकम अ बफर स्टेट, अ स्टेट दैट दैट वुड एक्चुअली बी पार्ट ऑफ यूएस कैंपेन टू ब्लॉक सोवियत यूनियन टू 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 रीच द अरेबियन सी, इंडियन ओशन। तो पाकिस्तान, ईरान, इराक, टर्की, ये वो कंट्रीज थे जो सोवियत के लिए एक ब्लॉक बन गए, और इसके
सीटो और सेंटो जो दो आपके इसमें अग्रीमेंट होते जिसका पाकिस्तान के साथ था, इन दोनों के अंडर फिर पाकिस्तान ने काफ़ी सिक्योरिटी एड और असिस्टेंस हासिल की। तो हमेशा से पाकिस्तान और यूएस का जो रिलेशन है वो एक सिक्योरिटी और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है। पॉलिटिकली भी काफ़ी जगहों पे यूएस की सपोर्ट रही है, लेकिन तब तब ज़्यादा रही है जब पाकिस्तान वॉज इन अ सिक्योरिटी रिलेशनशिप विद यूएस। सोवियत इन्वेजन के टाइम पे, उससे पहले कोल्ड वॉर के टाइम पे और वॉर ऑन टेरर के टाइम पे, दरमियान में पाकिस्तान जब यूएस ने अपना यूटिलिटी पाकिस्तान की देख ली कि पाकिस्तान इज नॉट नो मोर यूजफुल या नो मोर नीडेड, तो पाकिस्तान को टिश्यू की तरह यूज करके पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए और पाकिस्तान को वो इम्पोर्टेंस या वो एक्नॉलेजमेंट नहीं दी जो कि एक अच्छे पार्टनर को देनी चाहिए। अभी रिसेंट अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को यूएस का जो अभी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई थी वेंडी शर्मन, उन्होंने भी बात की कि पाकिस्तान को वो एक बहुत नैरो एंगल से देख रहे हैं आजकल, दैट इज अफगान लेंस। आपने देखा कि उनके प्रेसिडेंट बाइडन ने अभी तक पाकिस्तान के प्रीमियर को अप्रोच नहीं किया विद रिस्पेक्ट, इवन विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, विच इज शॉकिंग। लेकिन जितनी भी हमारी अभी तक चल रही है कॉपरेशन, दैट इज ऑन ऑन द सिक्योरिटी परस्पेक्टिव, सिक्योरिटी एस्पेक्ट से जो कॉपरेशन चल रही है, जो हमारे DGI, SI, NSA, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकातें हो रही हैं, या फिर जो अभी तक फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकातें हुई हैं, ऑल ऑफ देम वर टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके बारे में। तो अफगानिस्तान के बारे में, आई थिंक अफगानिस्तान इसके बारे में जब क्वेश्चन आएगा तो आप ये सारी बातें करेंगे, सारे एरियाज में कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान कोऑपरेट कर सकते हैं यूएस के साथ अफगानिस्तान के अंदर, और उसके बाद क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। अफगानिस्तान का इशू जब सेटल हो जाता है, पाकिस्तान हेल्प कर देता है, तो कैन यू डू यू सी यूएस एंड पाकिस्तान हैविंग अ ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप, और किधर किधर आपको नजर आता है कि ये ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप कौन से एरियाज में जा सकती है। इसके ऊपर USIP के वेबसाइट के ऊपर डॉक्टर असद मजीद जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, उनका एक बहुत अच्छा इंटरव्यू पड़ा हुआ है रिचर्ड हॉलब्रुक के साथ। रिचर्ड हॉलब्रुक हैं या फिर समवन हु हैड बीन एम्बेसडर टू पाकिस्तान, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया। तो उसमें वो आप वो इंटरव्यू भी जरूर सुनिएगा कि कहाँ पे पाकिस्तान के साथ यूएस के साथ कॉपरेशन हो सकती है अदर देन अफगानिस्तान। लेकिन मैं आपको दो तीन पॉइंट्स बता देता हूँ। पाकिस्तान और यूएस जो है एग्रीकल्चरली काफ़ी कॉपरेट कर सकते हैं। यूएस जो है एग्रीकल्चरल हब समझा जाता है, फूड बास्केट समझा जाता है दुनिया का, और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज में और टेक्निक्स में बहुत इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं यूएस के अंदर, खासतौर पे जो सदर्न स्टेट्स हैं टेक्सास वगैरह में। तो पाकिस्तान एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कॉपरेशन हो सकती है। डिफेंस में तो हो सकती है, जो ऑलरेडी चल भी रही है। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान टेक्नोलॉजी का एक हब समझा जाता है। पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसर्स जो हैं, दे आर वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द टॉप फोर मोस्ट एक्टिव फ्रीलांसर्स, फ्रीलांसिंग कंट्रीज। उसके अलावा पाकिस्तान के काफ़ी ग्रेजुएट्स जो हैं, दे हैव बीन वर्किंग इन सिलिकॉन वैली, और पाकिस्तान अपने सॉफ्टवेयर्स भी आजकल एक्सपोर्ट कर रहा है बहुत सारा। इसके अंदर IT के फील्ड के अंदर काफ़ी पाकिस्तान की अदर कंट्रीज के साथ भी कॉपरेशन चल रही। तो USA बीइंग द हब ऑफ IT एंड टेक्नोलॉजी कैन कॉपरेट हेयर ऑल्सो। उसके अलावा जनरली एक यूएस एजुकेशनल हब समझा जाता है, और पाकिस्तान के जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं और बड़े बड़े एकेडेमिया के अंदर जो लोग हैं, दे हैव बीन एजुकेटेड फ्रॉम यूएस। तो इस एजुकेशन और सोशल फील्ड के अंदर भी काफ़ी कॉपरेशन हो सकती है। पाकिस्तान का काफ़ी डायस्पोरा यूएस में रहता है, रेमिटेंसेस यूएस से बहुत ज़्यादा आते हैं। इकोनॉमिकली और ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कॉपरेशन और हो सकती है। तो देर इज अ लॉट टू डू, अ लॉट कैन बी डन, लेकिन
फिलहाल बिकॉज ऑफ यूएस का जो फोकस है ऑन कंटेनिंग चाइना, जो पिवट टू एशिया उनका दोबारा से आया है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, एक मेजर फोकस अगेंस्ट चाइना, तो उसकी वजह से हो सकता है पाकिस्तान को हर्ट भी करे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो रिसेंट बाइडन की पॉलिसी है टू कंटेन चाइना, टू पुश चाइना बैक, इसकी वजह से पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लास्टली हम बात करेंगे रशिया की। रशिया के साथ ज़्यादा कोई डेवलपमेंट्स नहीं है, लेकिन रीसेंट डेवलपमेंट्स आपने देखी होगी, फॉरेन मिनिस्टर उनके पाकिस्तान आए थे PSGP के ऊपर, जो पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की इन्वेस्टमेंट के ऊपर दोबारा से MOU साइन हुआ था, अग्रीमेंट साइन हुआ, जो कराची से कसूर तक एक गैस पाइपलाइन 2023 तक कंस्ट्रक्ट करने का प्लान है। उसके अलावा पाकिस्तान और रशिया काउंटर टेररिज्म के ऊपर काफ़ी कॉपरेट कर रहे हैं, SCO के अंदर भी, और उसके अलावा भी रशिया के ज़्यादा पाकिस्तान के साथ जो कन्वर्जेंसेस हैं वो अफगानिस्तान को लेके हैं, क्योंकि रशिया अपने सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो पुराने सोवियत वो थे कैंप के अंदर होते थे, उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है फ्रॉम इनफ्लो ऑफ टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो कि अफगानिस्तान में हो सकते हैं। तो इसको लेके सिक्योरिटी और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कॉपरेशन हो सकती है, हो भी रही है। पाकिस्तान काफ़ी चीज़ें अपनी आर्मरी और वेपनरी रशियन ओरिजिन की यूज़ करता भी है। तो रशिया के साथ काफ़ी लिमिटेड है, लेकिन रशिया के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में आ सकता है, क्योंकि रिसेंटली अभी ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं जहाँ पे प्यूटिन को भी पाकिस्तान में दावत की है और उनके आने का ये आप अनकरीब हो सकता है, हमें फ्यूचर में नजर भी आए। ऑलराइट, फिर आ जाते हैं सऊदी अरब के साथ एंड GCC कंट्रीज के साथ। सऊदी अरब के साथ मेजरली आपकी ब्रदरली रिलेशंस रहे हैं, GCC कंट्रीज, बाकी कतर, बहरीन, कुवैत, यमन एंड ओमान, इनके साथ भी आपके रिलेशंस अच्छे रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ दिस द कॉमन रिलीजन। आपका सऊदी अरब के साथ एडिड फैक्टर आ जाता है बिकॉज ऑफ दी हरमेन शरीफ, आपके हज की वजह से, उमरा की वजह से कॉपरेशन आपकी एक रहती है, एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है यहाँ पे। उसके अलावा ज़्यादा पाकिस्तान का डिपेंडेंस ऑन यूएस इम्पोर्ट, जो इम्पोर्ट है आपका ऑफ ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, एंड देन आपकी जो बहुत सारी जो लेबर आपकी डायस्पोरा है, तो लेबर डायस्पोरा बहुत वल्नरेबल होती हैं। आपके ही जब डायस्पोरा आपकी बात करते हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज के अंदर होते हैं, तो आप उन डायस्पोरा के बारे में इतना फिक्रमंद शायद नहीं होते जितना आपकी जो डायस्पोरा GCC कंट्रीज में है उनके बारे में होते हैं। बिकॉज एक तो GCC कंट्रीज मोनार्कीज हैं और वो किसी भी टाइम पे अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं और कोई नई पॉलिसी लेकर आ सकते हैं, और आपके सारे माइग्रेंट्स आपकी डायस्पोरा वापस आ सकती है, जो कि आपके लिए इकोनॉमिकली स्ट्रेन स्ट्रेनिंग होगा, क्योंकि दे आर अ सोर्स ऑफ रेमिटेंस। और आपने देखा है रिसेंटली अराउंड दे आर अबाउट टू रीच $30 बिलियन आपके रेमिटेंसेस जो आते हैं, सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से आते हैं और फिर GCC कंट्रीज में से आते हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सऊदी अरब ईरान बैलेंस की बात हमने कर ली थी ईरान वाले में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा भी आपके क्वेश्चन इस तरह से शेप किए जा सकते हैं, किस तरह से GCC कंट्रीज के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर जो, और मिडिल ईस्ट के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं डिफरेंट एंगल से, जो आपस में उनके ताल्लुकात ऊपर नीचे हो रहे हैं, एंड पर्टिकुलरली कंसिडरिंग के अब्राहम रिकॉर्ड्स जो साइन हुए हैं इसराइल के साथ, UAE के, बहरीन के, सूडान के, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें पाकिस्तान, व्हाट कैन पाकिस्तान डू टू मेंटेन अ रिलेशन विद दीज ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज एंड एंड नॉट फॉल इनटू द सेम पिट, इस तरह करके क्वेश्चन आ सकता है, या फिर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान जॉइनिंग देम, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो आएगा। ऑल राइट, एक फेडिंग फैक्टर है, फेडिंग सपोर्ट है ऑन कश्मीर सऊदी अरब और UAE की तरफ से, हमें ये नज़र आया, कोल्ड शोल्डर मिला है थोड़ा सा,
लेकिन ओएसी के अंदर कॉपरेशन हमारी अभी भी एग्जिस्ट करती है, ओएसी के अंदर स्टेटमेंट्स आ जाती होती हैं, लेकिन ओएसी भी एक नॉन मतलब इतना इम्पोर्टेंट, अभी इम्पोर्टेंट ज़रूर है लेकिन एक परफंक्टरी सी स्टेटमेंट होती है जिसकी ज़्यादा फाउंडेशन ज़्यादा असर नहीं रखता, इन्फ्लुएंस नहीं रखता, लेकिन इट्स स्टिल इम्पोर्टेंट क्योंकि एक आपकी सपोर्ट रहती है, ना होने से बहुत बेहतर है। टर्की टर्की के साथ आपके रिलेशंस आजकल इमर्ज कर रहे हैं और काफ़ी वार्म्थ नज़र आती है इस रिलेशन में। सिक्योरिटी ज़्यादा हमारी सिक्योरिटी और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है रिलेशनशिप। टर्की से हम अब नेवल उसमें अपनी फ्लीट में काफ़ी एडिशंस कर रहे हैं, टर्की हमें कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है। हमने प्रॉबली उनसे हेलीकॉप्टर्स के ऊपर भी हमारी बात हो रही है, टर्किश ड्रोन्स के बारे में भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है टर्की के साथ, काफ़ी हमारी आई थिंक $1 बिलियन तक पहुँच गई है ट्रेड। सपोर्ट फॉर कश्मीर, पॉलिटिकली कश्मीर को काफ़ी सपोर्ट किया टर्की ने, यूएन जीए की स्पीच में भी टर्की ने, ईरान ने लास्ट टाइम, इस बार का मैंने नहीं देखा लेकिन ईरान ने भी लास्ट टाइम किया था, मलेशिया ने किया था। तो ये दो तीन कंट्रीज हैं जो आपको अभी भी पॉलिटिकली ग्लोबल फोरम्स पे सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में ईसीओ में है टर्की, लेकिन ईसीओ थोड़ा सा आजकल इट्स अ कोल्ड स्टोरेज, अभी उस पर ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा। लेकिन टर्की के साथ पाकिस्तान ने मलेशिया और टर्की के साथ मिलकर एक कुआलालंपुर समिट का स्टार्ट करना था, जिसका जो पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन रुक गई वो सऊदी अरब की वजह से थी। प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन दी कुआलालंपुर समिट बिकॉज सऊदी अरब की नाराज़गी आ रही थी उसमें। और सऊदी अरब और टर्की के रिलेशंस को लेके भी क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हाउ कैन पाकिस्तान balance its relations with other Muslim countries, considering the other Muslim countries, particularly KSA, Saudi Arabia, Turkey, Qatar, Iran are at loggerheads with each other. तो उसमें किस तरह से पाकिस्तान balance कर सकता है? Convergences और divergences को लेके आप फिर बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये सारे countries converge करते हैं तो हम कैसे improve कर सकते हैं। So Iran और Saudi Arabia का एक चीज बता दूँ, एक और आपने देखा होगा वो एक मुस्लिम फोरम बना था, मिलिट्री अलायंस बनी थी, उसके अंदर भी ईरान को इशू है कि पाकिस्तान उसका पार्ट है, ईरान नहीं है, और पाकिस्तान का एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ पे उसको लीड कर रहा है। तो दैट इज़ ऑल्सो दैट पिंचेस ईरान। ऑलराइट, उसके बाद मैं कुछ कंट्रीज का आपको बता देता हूँ जिनका आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, रिसेंटली पाकिस्तान की और इनकी रिलेशंस में काफ़ी वो ये इम्प्रूवमेंट आई है और देयर इज प्रॉस्पेक्ट। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अगर हम देखें, अजरबैजान के साथ पाकिस्तान ने काफ़ी इम्प्रूव किए रिलेशंस, पाकिस्तान नगोनो कराबाख की पहले भी अच्छे रिलेशंस थे लेकिन रिसेंटली हमने देखा है कि और वार्म्थ नज़र आती है नगोनो कराबाख पे। पाकिस्तान ने पॉलिटिकली पाकिस्तान सपोर्ट करता था पहले भी, पाकिस्तान ने अजरबैजान की वजह से आर्मेनिया को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। देयर इज ओनली वन कंट्री, वन यूएन मेंबर स्टेट जिसने आर्मेनिया को रिकॉग्नाइज नहीं किया, इवन अजरबैजान एंड टर्की आल्सो रिकॉग्नाइज आर्मेनिया, पाकिस्तान नहीं करता। और अजरबैजान के साथ अभी हमने टर्की और अजरबैजान के साथ मिलकर थ्री ब्रदर्स एक एक्सरसाइज भी किया मिलिट्री कोऑपरेशन। अजरबैजान के साथ हमारी ट्रेड भी और टूरिज्म भी काफ़ी बढ़ी है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक दूसरे के साथ हमारी कोऑपरेशन चल रही है। उसके अलावा सोशल एस्पेक्ट में देखें कि तो टूरिज्म और एजुकेशन पे बात हो सकती है, एजुकेशन में भी अजरबैजान थोड़े से स्कॉलरशिप्स के ऊपर काम कर रहा है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा प्रॉस्पेक्ट्स में देखें तो अजरबैजान के साथ काफ़ी पाकिस्तान के प्रॉस्पेक्ट नज़र आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम ट्रेड ट्रांजिट रूट की बात करें अफगानिस्तान में से, अगर हमारा ये एक पीसफुल से इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है तो पाकिस्तान एक कनेक्टिविटी का जरिया बन सकता है फॉर ऑल सेंट्रल एशियन कंट्रीज जिनका सी रूट नहीं है। तो अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तक भी ये सारे कंट्रीज पाकिस्तान को यूज़ कर सकते हैं फॉर देयर
ट्रेडिंग रूट्स के तौर पे, तो ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा, और उसकी वजह से पाकिस्तान का सीपेक और सीपेक के अलावा भी मार्केट एक्सेस जो है टू अदर पाकिस्तानी फार्मर्स एंड लोकल प्रोड्यूसर्स काफ़ी बढ़ जाएगा। पाकिस्तान ने रिसेंटली अजरबैजान और उज्बेकिस्तान में, सॉरी, अपना सामान भेजा भेजा भी है थ्रू अफगानिस्तान ट्रांजिट रूट। उज्बेकिस्तान के साथ भी अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे SCO में भी, और उसके बाद भी हमने काफ़ी अग्रीमेंट साइन किए हैं, और उनके साथ हमारी बातचीत भी चल रही है फॉर साइनिंग एन FTA, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इसके अलावा अगर आप EU के साथ देखें तो EU के साथ हमारे रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली GSP+ को लेके। GSP+ एक जनरल प्रेफरेंशियल GSP+ जनरल मुझे इसकी एब्रिविएशन भूल गई, लेकिन प्रेफरेंशियल आपको इसमें ना एक ट्रीटमेंट मिलती है जिसमें आपको अलाउ करते हैं विथ लोअर टैरिफ्स और मोर मार्केट एक्सेस इन EU मार्केट, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टू EU बहुत ज़्यादा बढ़ी है, मोर देन $6 बिलियन है आई थिंक इसकी वजह से, और अभी प्रॉबली एक्सटेंड होने वाली है, 2023 तक एक्सटेंड हो रही है। लेकिन EU के साथ जो हमें GSP+ मिलता है दैट इज लिंक्ड विद अ लॉट ऑफ ह्यूमन राइट्स और थोड़े से आप हम समझ लें कुछ ऐसे यूनिवर्सल वैल्यूज जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं उनके साथ लिंक्ड होता है, जैसे दे वुड आस्क यू फॉर रिव्यूइंग और ब्लास्फेमी लॉ और इस तरह करके। अभी आपने देखा होगा EU पार्लियामेंट में इसके ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ एक यूनानिमसली रेजोल्यूशन भी पास हुई थी जिसमें दे वांटेड के GSP+ को वो कर लिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ब्लास्फेमी लॉ का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था। ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर भी बात करते हैं, मीडिया के ऊपर कर्ब्स की भी बात करते हैं, तो जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं उन उनको वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और उनकी प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर देम, जिसकी बेसिस पे फिर वो लिंक करते हैं अपने इस तरह के प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स को। उसके अलावा आसियान कंट्रीज में हम देखें तो आसियान के साथ हमारी बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं हो सकी, आसियान एक बहुत अच्छा मार्केट है लेकिन वहाँ पे हम कोशिश जरूर कर रहे हैं। मलेशिया के साथ हमारे ताल्लुक अच्छे हैं, मलेशिया के साथ हमारा FTA भी साइन हुआ हुआ है, और मलेशिया हमें पोलिटिकली भी सपोर्ट करता है, और हमारा कोऑपरेशन इन डिफेंस भी है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, इकोनॉमिक भी है, पाम ऑयल के हम बहुत बड़े इंपोर्टर्स हैं। उसके अलावा इंडोनेशिया के साथ हमारा PTA साइंड है, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, जिसमें हमने लोअर किए हुए टैरिफ इंडोनेशिया से हम राइस और बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, आई थिंक इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट करते हैं राइस, बिल्कुल ऑल राइट। उसके बाद आ जाते हैं ECO का, मैंने आपको बताया टर्की, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उसमें थोड़ा सा हमें अभी इशू आ रहा है उसको, वो इट्स इन कोल्ड स्टोरेज, लेकिन इसको दोबारा कर सकते हैं इम्प्रूव। SCO की अभी रिसेंटली समिट हुआ था, उसकी आप ज़रूर स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिएगा ऑफ ऑल कंट्रीज, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि SCO किस डायरेक्शन में जा रही है, मोस्टली काउंटर टेररिज्म और रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी की तरफ बात होती है SCO के अंदर। स्टार्ट Shanghai 5 से हुआ था, अभी Shanghai कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उज़्बेकिस्तान में इसकी अभी समिट हुआ था जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी पार्टिसिपेट किया है। सार्क मैंने आपको बताया मोर लेस, अभी इट्स नॉट वर्किंग, सार्क के अंदर बहुत पॉलिटिकल वो है, पोलराइजेशन है इंडिया और पाकिस्तान को लेके, इंडिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस वील्ड करता है सॉरी, और उसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस कर सकता है या ब्राउबीट कर सकता है अपने बाकी नेबर्स को कि वो पार्टिसिपेट ना करें, और अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर वो समिट कैंसिल हो जाती है। UN के अंदर आपके जितने भी वो हैं पार्टनर्स हैं, इनके साथ आपके कैसे रिलेशंस हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। UN के बारे में मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हुए हैं, तो यू कैन रीड अप ऑन देम फ्रॉम देयर। इसके अलावा मैं थोड़ा सा अफ्रीका का कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन अफ्रीका का मैं आपको बता दूं मैप से अगर देख लें कि हमने एक लुक अफ्रीका पॉलिसी अभी रिसेंटली अनाउंस की है, जिसमें हम अफ्रीकन एक
मार्केट को भी काफ़ी एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसमें हमने नए एक तो अपने मिशंस भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किए हैं। पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक मिशंस अफ्रीका में बहुत लिमिटेड थे, लीबिया में, इजिप्ट में, मोरक्को में एंड सेनेगल में, बस साउथ अफ्रीका में, थोड़े से कंट्रीज में थे, केनिया में। अभी पाकिस्तान ने अराउंड 5 कंट्रीज, 3 to 5 कंट्रीज मोर ऐड किए हैं इसमें अफ्रीका में। उसके अलावा भी हमने केनिया में एक समिट, एक एक्सपो कराया था, जिसके अंदर हमने अपने एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में काफ़ी एक्सप्लोर कर रहे हैं मार्केट्स को। नाइजीरिया के साथ हमारी डिफेंस कोऑपरेशन चल रही है, नाइजीरिया को हम TF-17 भी अपना कर रहे हैं एक्सपोर्ट। उसके अलावा इधर आप लैटिन अमेरिका में अगर देखें तो अर्जेंटीना के बारे में भी आ रहा है कि दे आर इंटरेस्टेड इन RDF-17। और इसके अलावा जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं उसमें आप आसियान का मैंने आपको बता दिया, आसियान में पोटेंशियल है लेकिन पाकिस्तान ने एज सच उसको एक्सप्लोर नहीं कर सका। इसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान ने पॉलिटिकल रिलेशंस हमारे बहुत वीक हैं। जब हम इन कंट्रीज में जाते हैं कि आप हमारे साथ FTA साइन करें तो इकोनॉमिक, आप स्टार्ट में ही इकोनॉमिक रिलेशंस इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है। दे वॉन्ट कि आप पहले पोलिटिकल रिलेशंस इस्टेब्लिश करें, आपके प्राइम मिनिस्टर जाके विजिट करें, उनके प्राइम मिनिस्टर से मिलें, आपके पार्लियामेंट्री लेवल के डेलीगेशन मिलें, तब जाके फिर ये आपसे थोड़ा सा वार्म दिखाएंगे। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कभी इस एरिया की तरफ गए नहीं है तो फॉरेन से आपके साथ FTA साइन करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। यूके के बारे में मैंने ऐसे जिक्र नहीं किया लेकिन ब्रेग्जिट के बाद यूके के साथ जो आपके रिलेशंस है उसके बारे में क्वेश्चन जरूर आ सकता है। यूके के साथ हमारे रिलेशंस डायस्पोरा पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि ब्रेग्जिट थोड़ा पुराना भी हो गया है लेकिन फिर भी आई वुड रिकमेंड कि आप ब्रेग्जिट के हिसाब से एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, इसके ऊपर आपको मटीरियल इंटरनेट पर मिल जाएगा तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ऑल राइट, इसके बाद आई थिंक आई हैव वन मोर थिंग टू शो यू। हाँ जी, ये एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, तालिबान टुक ओवर द वर्ल्ड बाय सरप्राइज बाय टेकिंग ओवर द काबुल, हाउ वुड दिस डेवलपमेंट अफेक्ट पाकिस्तान। अब मैं इसको आपको आंसर करने का, मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपका आंसर में इंट्रोडक्शन पार्ट आता है। इंट्रोडक्शन में आपने एक होलिस्टिक सा आपने आंसर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो देना है, जिसमें आप पहले तो क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और जितना आपका जो आंसर होगा उसकी समरी टाइप की होनी चाहिए। आपने पहले इंट्रोड्यूस करना है उस टॉपिक को और बताना भी है कि आप आगे भी क्या लिखने लगे, और डिटेल नहीं होना चाहिए लेकिन एक इंद्रिया होना चाहिए, एक एल्यूजन होनी चाहिए उसके लिए। एल्यूड करना है टू व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन योर आंसर। तो और जब आप अपने हेडिंग्स लिखते हैं तो डोंट डोंट जस्ट राइट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद सेमी कॉलन या फिर एक डैश लगा के आप बताएं कि आप किसके बारे में लिखने लगे हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल अभी आंसर जो मैंने लिया है कहीं से, तो इसमें लिखा हुआ है इनएविटेबिलिटी ऑफ अफगान तालिबान टेक ओवर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। तो जो क्वेश्चन था इसी बारे में था और इसी के बारे में उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा है, उन्होंने क्वेश्चन को सही से समझा है। फिर उसके बाद वो इम्प्लीकेशंस पे आ जाते हैं, हाउ वुड दिस डेवलपमेंट अफेक्ट पाकिस्तान। पहला अफेक्ट वो उनको लगता है कि पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ द टेक ओवर। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये बहुत अच्छा आंसर है लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, स्कीम ऑफ थिंग्स आपका इस तरह से होना चाहिए। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ द टेक ओवर क्या है एक तो, और उन्होंने उसका जो सब हेडिंग दिया वो दिया है रिकग्निशन एंड लेजिटिमेसी ऑफ द न्यू अफगान तालिबान गवर्नमेंट। आप ये देखते होंगे कि उन्होंने सिर्फ रिकग्निशन या सिर्फ रिकग्निशन एंड लेजिटिमेसी नहीं लिखा, अपने जो वो है हेडिंग्स हैं उनको थोड़ा फ्रेज फॉर्म में रखें बजाय इसके कि सिर्फ सिंगल वर्ड फॉर्म में रखें। इसी तरह इन्होंने आप देखें सिर्फ इम्प्लीकेशंस की हेडिंग लगा के सब कुछ लिखना नहीं स्टार्ट कर दिया, उन्होंने पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ द टेक ओवर उन्होंने उसको कैटेगराइज कर दिया ताकि आपके हेडिंग्स भी बन जाए ज़्यादा। और इसकी वजह से कैटेगराइजेशन की वजह से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि उसमें आपको क्योंकि आप ये मार्कर से लिख रहे होंगे तो ये प्रोमिनेंट हो जाएगा कि इन इन इस कैंडिडेट को पता था कि इस तरह के डिफरेंट इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। आप हो सकता है सिर्फ इम्प्लीकेशंस की हेडिंग डाल के ज़्यादा डिटेल्ड आंसर लिखें लेकिन वो एग्जामिनर के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। तो यू हैव टू मेक इट ईजी फॉर योर एग्जामिनर कि वो
आपके आंसर को जब पढ़ें तो उनको प्रोमिनेंटली सामने नजर आए कि आप क्या लिखना चाह रहे थे। इसी तरह सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस ऑफ द टेक ओवर, उसमें वो कहते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड यूज ऑफ अफगान सॉइल अगेंस्ट पाकिस्तान, उन्होंने फिर इसके बारे में अपना पैराग्राफ लिखा होगा। आप जब एक मेन हेडिंग दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस ऑफ द टेक ओवर लिखा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, 3 to 4 lines का। आप उसके बगैर भी अपना सब हेडिंग देके सब हेडिंग के अंदर फिर आप अपना इस आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल लिखते हैं सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस ऑफ द टेक ओवर, आप लिख सकते हैं कि द रीसेंट टेक ओवर बाय द अफगान तालिबान विल हैव मोन्यूमेंटल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस ऑन पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान शेयर अ कंटिगुअस बॉर्डर ऑफ 2200 kilometers, सम ऑफ देम आर, फिर आप लगा देते क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड यूज ऑफ अफगान सॉइल अगेंस्ट पाकिस्तान, ये आपका सब हेडिंग आ गया। और उसके अंदर फिर आप बताते क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बाय होम, TTP के बारे में जिक्र कर देते हैं, यूज ऑफ अफगान सॉइल की हिस्ट्री बता देते थोड़ी सी, तो ये कोई 5-6 lines की आप अपना पैराग्राफ बना लेते। तो आप जो सब हेडिंग दे रहे हैं उसका फिर एविडेंस आपने अपने पैराग्राफ में देना है, उसमें जिक्र कर देते कि रिसेंटली यहाँ पे अटैक हुआ, फॉर एग्जांपल ग्वादर में जो PC पे अटैक हुआ, या फिर सरीना में जो क्वेटा में भी रिसेंटली अटैक हुआ, उसके जो टेररिस्ट थे दे केम फ्रॉम दे वर इन कॉन्टेक्ट विद पीपल इन अफगानिस्तान, और उसकी एविडेंस इसने पेश की। तो और फिर पाकिस्तान उसके बारे में क्या कर सकते हैं अगर वो भी आप बताना चाहते हैं, दैट इज ओके। अगर नहीं बताना चाहते तो आप आगे रिकमेंडेशंस में भी बता सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रिकग्निशन ऑफ ड्यूरेंट लाइन एज इंटरनेशनल बॉर्डर बाय तालिबान, इसके ये भी एक इम्प्लीकेशन है कि तालिबान का टेक ओवर हुआ तो है, लेकिन क्या वो रिकग्नाइज करेंगे ड्यूरेंट लाइन को एज इंटरनेशनल बॉर्डर या नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी उसको फेंस भी किया और उसके ऊपर वो एतराज कर सकते हैं, और उसके बारे में क्या हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट या फिर उसके ऊपर डिस्प्यूट। सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ द टेक ओवर आप देखें, उसके बारे में उन्होंने लिखा इन्फ्लक्स ऑफ न्यू वेव ऑफ रेफ्यूजीज एंड इमिग्रेंट्स इन पाकिस्तान। सेकेंड वो बात करते हैं इमिनेंट आइडियोलॉजिकल स्पिल ओवर ऑफ द अफगान तालिबान आइडियोलॉजी फ्रॉम अफगानिस्तान टू पाकिस्तान। स्पिल ओवर आपने देखा कि जैसे ही अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया तो हमारे जो इधर इस्लामाबाद के अंदर आपके कैपिटल के अंदर लाल मस्जिद वाले जो साहब थे, इमाम साहब थे, मौलाना साहब, उन्होंने तालिबान का फ्लैग वेव करना शुरू कर दिया था। तो ये स्पिल ओवर बहुत आपको फौरन से नज़र आ गया। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, ट्रेड रूट्स के बारे में उन्होंने बात की है एंड फ्यूचर ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स टू अफगानिस्तान के उनके टेक ओवर के बाद आप वो आपके अफेक्ट हो सकते हैं, ट्रेड रूट्स अफेक्ट हो सकते हैं टूवर्ड्स सेंट्रल एशिया, ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं। आप अफगानिस्तान के साथ जितना ट्रेड कर रहे थे वो सारा एकदम से हॉल्ट पे आ गया है, उल्टा आपको बल्कि अपने अफगानिस्तान को आप वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं और इम्पोर्ट कर भी रहे हैं और उनके ऊपर टैक्सेस भी लोअर कर रहे हैं ताकि आप तालिबान की हेल्प कर सकें। फिर उसके बाद आ रहा है रिटर्न ऑफ स्मगलिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड वेपन्स, इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा है, दे वॉन्ट टू से के क्या स्मगलिंग ड्रग ट्रैफिकिंग और वेपन्स का उनको नजर आ रहा है कि ये दोबारा से आ जाएगा, और फिर उसको उन्होंने डिस्कस किया होगा अपने आंसर में, और कंक्लूड किया है विद कंक्लूजन, सिर्फ उन्होंने कंक्लूजन नहीं लिखा, कंक्लूजन के साथ डैश लगा के उन्होंने अपना फ्रेज लिखा है, पाकिस्तान शुड पेशेंटली वेट फॉर द डस्ट टू सेटल, कि पाकिस्तान को अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद फिर फैसला करे कि क्या करना चाहिए इसके बारे में, और उन्होंने फिर अपना आर्ग्यूमेंट उसके अंदर पेश किया होगा कंक्लूजन के अंदर। तो इस तरह से आपने अपने आंसर्स को बिल्ड करना है, और फिर जितने आपका क्वेश्चन होगा जितने मार्क्स का होगा उसी हिसाब से फिर आपने उतने नंबर ऑफ हेडिंग्स और नंबर ऑफ कंटेंट आपने उसी तरह से बिल्ड करना है। एक ये क्वेश्चन मेरे पास था, दूसरा मैं कोशिश करूंगा आपको अगर स्क्रीन शेयर कर सकूं, एक मिनट आप
आप लोगों को नजर आ रहा है ये? एक मिनट, आई डोंट थिंक सो नजर आ रहा है ये, एक मिनट। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये जो आंसर्स हैं ये मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इनमें क्वेश्चंस प्रॉबेबली इन्होंने नहीं लिखे होंगे, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा लोगों ने किस तरह से आंसर्स अपने लिखे हैं। ये सारे पासिंग कैंडिडेट्स के आंसर्स हैं, इसलिए मैं चाह रहा था कि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि किस तरह से। इसमें से बहुत सारे लोगों ने बहुत मिस्टेक्स भी की होंगी, आपने ये नहीं समझ लेना कि ये दिस इज द परफेक्ट आंसर, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि आपको एक सैम्पल मिल जाए, आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा कि आपके सामने अगर एक प्रॉपर हुआ हुआ चीज पड़ा हो। तो आई थिंक आई विल एंड माय लेक्चर हियर, बहुत मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, लेकिन आई हैव क्वेश्चंस टिल 8:30, तो यू कैन रेज योर हैंड्स एंड देन वी कैन आंसर देम। ओके, आई कैन सी एनी हैंड्स सो फार, तो इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चंस प्लीज रेज योर हैंड्स, वरना फिर वी कैन एंड आवर सेशन हियर। और मैं आज का लेक्चर भी और भी मेरे पास अगर कोई मटेरियल हुआ तो आई विल अपलोड इट ऑन द ड्राइव, और यू कैन फाइंड इट इन द करंट अफेयर्स वाला जो फोल्डर है उसके अंदर पड़ा होगा। पिक्चर्स भी आई थिंक मैं आई कैन अपलोड देयर। अच्छा मिस्टर होप, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं राहिला, कैन यू आस्क योर क्वेश्चन? मैं इनको म्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माय क्वेश्चन इज, जैसे कि आपने यहाँ पे अफगान तालिबान टेक ओवर और पाकिस्तान इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान पे डिस्कस किया, तो यू डिड नॉट गिव अ प्रोस्पेक्ट अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो इज इट ओके कि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिए बगैर आंसर्स को सप्लीमेंट मीन्स मेन पॉइंट की तरफ आ जाएं? जी, थैंक यू रहीला फॉर योर क्वेश्चन। देखें, क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हिस्टोरिकल यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देने का मुझे वो नज़र नहीं आ रहा था, तुक नहीं नज़र आ रहा था। क्वेश्चन ये था कि आपके उन्होंने पूछा हुआ कि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है और इट टुक दी ग्लोबल कम्युनिटी बाय सरप्राइज, और उसके क्या पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं। तो वहाँ पे आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देने का इसलिए भी फायदा नहीं है कि आपके ऑलरेडी इसके अंदर कंटेंट इतना ज्यादा है कि आप यू कैन नॉट कवर इट कम्प्लीटली इन टाइम। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि ना आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट सिर्फ उधर ही दें जहाँ पे रिक्वायर्ड हो या जहाँ पे आपको लगता है कि यार थोड़ा सा ऐड करके ज्यादा आपका आंसर उसको वो करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इसलिए भी, आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था कि रिकग्निशन ऑफ ड्यूरेंट लाइन की हमने बात की थी, वहाँ पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट खुद ब खुद आ जाता है। कुछ जगहों पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको अलग से हेडिंग दे के नहीं देनी पड़ेगी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट खुद ब खुद आ जाएगा, जहाँ पे आप खुद कह देंगे कि 1996 में जब तालिबान गवर्नमेंट थी तो दे डिडंट रिकग्नाइज ड्यूरेंट लाइन एज द इंटरनेशनल बॉर्डर। बट अभी क्या आपको लगता है कि वो रिकग्नाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, उसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं अगर वो दोबारा नहीं करते? तो इसलिए भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की मुझे जरूरत नजर नहीं आई, और वो क्वेश्चन आपको खुद इंडिकेट कर देगा कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे देना है कहाँ पे नहीं देना। आपने दोबारा हैंड रेस किया है, कैन यू इफ यू वांट टू रिपीट योर क्वेश्चन, या अगर मैं आंसर नहीं किया तो यू कैन आस्क इट अगेन। सर दूसरा क्वेश्चन है मेरा, दैट आपने बताया कि आंसर यानी जितना मार्क्स मार्क्स के हिसाब से आप अपने आंसर्स लिखेंगे, तो जो 20 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए कितने मीन्स यू थिंक के कितने पेजेस या कितने साइड्स ऑफ पेज होने चाहिए? रिसेंटली
रहीला देखें एंड बाकी भी इट डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट यू राइट. अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड ज़्यादा है और आप ज़्यादा लिख सकते हैं कंटेंट और अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं तो आप ज़्यादा लिख लें, कोई मसला नहीं है. लेकिन इट शुड बी रेलिवेंट. आप 10 पेजेस लिख लें लेकिन उसके अंदर इररेलेवेंट मटीरियल हो तो दैट वुड नॉट हेल्प. इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप टाइम की डिविजन और रिलेवेंस और अपनी स्पीड को देखते हुए इस तरह से चलें. और लेकिन नॉर्मली जो एवरेज में आप लोगों को वैसे ताकि अंदाज़ा भी हो जाए तो आप कोशिश करें कि जो एक पेज है फॉर एग्जांपल दिस इज वन पेज दोनों साइड्स मिला के, तो इस तरह के अगर फोर पेजेस अगर आप लिख लें या थ्री एंड हाफ तो दैट वुड बी इनफ फॉर 20 मार्क्स का एग्जाम क्वेश्चन. लेकिन आपके क्वेश्चंस प्रोबेबली 15 मार्क्स के आएंगे, 15 मार्क्स करके होते हैं फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड. तो क्योंकि मैंने पीएमएस नहीं दिया तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं आपको अंदाजन बता रहा हूँ क्योंकि 75 मार्क्स का है. तो अगर 15 मार्क्स के आते हैं तो थ्री पेजेस मतलब ये दो साइड्स ये वन पेज है, तो इस तरह करके तीन पेजेस थ्री एंड हाफ वुड बी इनफ फॉर 15 मार्क्स. लेकिन उसके अंदर शर्त यह कि कंटेंट हो और राइटिंग इतनी बड़ी ना हो कि आप इतने बड़े दरमियान में लाइंस भी तोड़ के आप फिर थ्री एंड हाफ पेजेस पूरे कर रहे हो. आपका कंटेंट पूरा होना चाहिए, क्वेश्चन कम्प्लीटली आंसर होना चाहिए. क्वेश्चन अगर एड्रेस हो गया है तो दैट मीन्स कि आपका आंसर कम्प्लीट है. तो दैट वुड बी माई आंसर टू दैट क्वेश्चन. मिस्टर होप अगर आपका अभी भी क्वेश्चन है एंड यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन तो फिर काइंडली प्लीज. आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा सर. मेरे सवाल है जो कश्मीर डिस्प्यूट के हवाले से ना. सॉरी दोबारा बोलिएगा सर. मेरे सवाल है कश्मीर डिस्प्यूट के हवाले से. जी जी. कि पाकिस्तान का जो कौमी नैरेटिव है ना, कौमी बयानिया है ये कि कश्मीर का जो मसला है ये अपने मुताबिक राजस्थान के मुताबिक हल किया जाए. क्योंकि अब पाकिस्तान ये कहते हैं लेकिन जो अपने मुताबिक की बहनियत है खत्म हो गई, तो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे सर. सॉरी आपका लास्ट पार्ट नहीं समझ आया. क्या यूएन का क्या शिमला माहदे के बाद, शिमला माहदे के बाद अपने मुताबिक का जो किरदार है वो तो खत्म हो गई, तो दो तरफा मतलब मसला हो गया ना, तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे. राइट मैं समझ गया आपके क्वेश्चन, थैंक यू. अच्छा शिमला एग्रीमेंट के बारे में ये थोड़ी सी एक शिमला एग्रीमेंट के बारे में एक ये मिसकंसेप्शन जरूर है कि हमने वहाँ पे अपनी मल्टीलैटरल लेवल पे जितनी भी एंगेजमेंट है वो उसके रास्ते बंद कर दिए. लेकिन ऐसा नहीं है. वहाँ पे आप शिमला एग्रीमेंट अगर कम्प्लीटली पढ़ें तो उसके अंदर ये जिक्र है कि हम बायलैटरली हल ज़रूर करेंगे, लेकिन वहाँ पे मल्टीलैटरलिज्म का भी उन्होंने गेट ओपन रखा था. ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक आप कह लें कि एक श्रूडनेस का फ़ायदा हुआ है हमें कि उन्होंने उसके अंदर वो चीज़ ज़रूर डाली है. आप अगर आज ही जाके चेक कर लें तो मल्टीलैटरलिज्म और वहाँ पे यूएन का जिक्र भी है कि यूएन के अंडर जो हमारी इंगेजमेंट है वो बरकरार रहेगी, तो उसके वजह से कोई रास्ते बंद नहीं हुए और वो दैट इज़ still available and open for Pakistan. और वैसे भी UN का charter ये कहता है कि जब अगर दो states के अंदर कोई dispute और उनका bilateral कोई arrangement हुआ हुआ हो, वहाँ पे UN की जो convention है, UN की जो charter है, that would hold precedence. ठीक है, उस वो वहाँ पे उसको precede करेगा, उसको overtake करेगा, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का वहाँ पे जो वो है स्टांस है वहाँ पे सपोर्ट होता है. तो ये दो चीज़ें. उसके अलावा भी मैंने जो आप लोगों की ड्राइव है उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर मैंने हर टॉपिक के नीचे एक लिंक भेजा है और कश्मीर के नीचे मैंने एक यूट्यूब लिंक भेजी है, आप ज़रूर जाके देखें. उसमें अली सुल्तान साहब एक इंटरनेशनल लॉयर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत डिटेल्ड
कश्मीरी इशू के ऊपर पाकिस्तान को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए ऑन 370 एंड 35A, उसके ऊपर भी और उसके अलावा भी कश्मीरी इशू के ऊपर काफी डिटेल बात की है, तो दैट वुड हेल्प यू इन बिल्डिंग योर एनालिसिस ऑन कश्मीर इशू. सॉरी. अच्छा, आई होप आपका मैंने आंसर कर दिया. जाहिद, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम सर. सर ये LIC के बारे में थोड़ा डिफाइन करें सर. LIC लाइन ऑफ. सॉरी आपकी आवाज. आप आ रहे सर? जी जी. LOC कह रहे हैं आप? LAC सर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सर. LOAC नहीं सर, LAC. LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें आप सर? ये जी सर. अच्छा ठीक हो गया, थैंक यू, मैं आपको बताता हूँ. अच्छा, और दूसरा सर ये आप EU का जो वहाँ पे एक पॉइंट आपने ड्रॉप किया था वो था सर ये GSP प्लस था सर. जी 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 सर. GSP प्लस को मैं दोबारा से बता दूँ आपको? नहीं सर, आपने ड्रॉप किया था तो आपका बैकग्राउंड का पता है तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं. अच्छा आप कह रहे हैं कि मैं दोबारा से जिक्र कर दूँ GSP प्लस को? जी सर. ठीक है मैं बताता हूँ. ठीक हो गया. अच्छा तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बेसिकली जो इंडिया का और जो चाइना का बॉर्डर है इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है. मैं अगर आपको मैप खोल के दिखा सकूँ, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा.